ऑप्शन ग्रीक्स की जरूरत क्या है? तो सर ऐसा है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी है, ठीक है। ऐसे ही जो ऑप्शन है, ऑप्शन की जो फॉर्मेशन है, जो आप प्रीमियम देखते हो स्क्रीन के ऊपर, उसके पीछे पांच फोर्सेस होते हैं जो उस ऑप्शन का प्रीमियम डिसाइड करते हैं, ठीक है। उस प्रीमियम को बनाने के पांच तत्व होते हैं: स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन टाइप, अंडरलाइन, वोलेटिलिटी, टाइम टू एक्सपायरी। एम आई करेक्ट? तो ये पांच फोर्सेस से ऑप्शन प्रीमियम बनता है। तो ऑप्शन बन तो गया पांच तत्वों से, बट हम जब ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम या तो ऑप्शन बाय कर रहे हैं या हम ऑप्शन सेल कर रहे हैं। हमें यह समझना जरूरी है कि हमने ऑप्शन बाय किया, कौन कौन से फोर्सेस हमें सपोर्ट करेंगे उस ऑप्शन के प्रीमियम को ऊपर ले जाने में, और कौन कौन से फोर्सेस ऐसे हैं जो अपोज करेंगे ऑप्शन का प्रीमियम ऊपर जाने में, ठीक है। आप जब हाईवे पर गाड़ी चलाते हो तो स्ट्रेट रोड भी आती है, पुल भी आता है जहां पे आप ऊपर चढ़ते हो, और फिर डाउनफॉल भी आता है पुल से। तो ऐसे ही ऑप्शन के साथ होता है, ऑप्शन प्रीमियम इज नॉट अ स्ट्रेट रोड, इट इज रैंडम, ठीक है। उसके अंदर स्विंग्स आते रहते हैं, कौन से फोर्सेस अप साइड का स्विंग लेके आएंगे, कौन से फोर्सेस डाउन साइड का स्विंग लेके आएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंटली जो एल्गो ट्रेडिंग करते हैं आज के टाइम में, तो नॉन डायरेक्शनल का काफी वॉल्यूम हो रहा है एक्सचेंज के अंदर, तो कौन से ऐसे फोर्सेस हैं या डेटा पॉइंट्स हैं जो हमें ये बताएंगे कि मार्केट नॉन डायरेक्शनल रहने वाला है, साइडवेज रहने वाला है, कोई मूव नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है।